नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो भर्ती 2021 के बारे में। बात करेंगे कब जारी होगा वीडियो प्री एग्ज़ाम का परिणाम। साथ ही बात करने वाले हैं कि वीडियो की जो मुख्य एग्ज़ाम है वो अब मई में नहीं आयोजित होगी। इन दोनों पॉइंट्स पर डिटेल से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित हर छोटी से छोटी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, बात करें वीडियो भर्ती परिणाम के संबंध में, तो आज मनोज मीणा, जो कि राजस्थान तकनीकी बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आयोजित ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की परीक्षा का परिणाम अगले 15 दिनों में जारी किया जाएगा। साथ ही जो मुख्य परीक्षा मई में आयोजित होने वाली थी वो अब मई में नहीं होगी। तो साथियों, ये दो बड़ी अपडेट है कि वीडियो भर्ती का परिणाम अगले 15 दिनों में यानी 15 अप्रैल के आसपास जारी कर दिया जाएगा। साथ ही जो मुख्य परीक्षा मई में आयोजित होनी थी वो अब मई में आयोजित नहीं होगी। और साथ ही जो विस्तृत सिलेबस है इस भर्ती का, वो भी प्री एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद जारी किया जाएगा। कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो कट ऑफ के बारे में ये सूचना दी गई है कि कट ऑफ इष्टतम आधार पर ही रहने वाली है। तो ये दो बड़ी अपडेट वीडियो भर्ती से संबंधित थी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित हर छोटी से छोटी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।